हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अरुण और आप देख रहे हैं अरुण ब्लॉग। और आज हम लोग बात करेंगे रॉयल इनफील्ड की थंडरबर्ड 350X के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये एक BS4 वेरिएंट का मॉडल है। BS6 वेरिएंट वाले मॉडल अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। इसका जो डायमेंशन है आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसकी लेंथ विद हाइट, कर्व वेट, ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें इसके लुक की, तो ओवरऑल लुक आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ से देखने में बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसमें मोस्टली ब्लैक कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें लगभग सारे जो पार्ट हैं वो ब्लैक कलर में दिए हुए हैं, और जो इंजन है वो भी मैट ब्लैक कलर का दिया हुआ है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प की, तो इसमें हेडलैम्प काफ़ी वेरिएबल है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक हैलोजन बल्ब भी लगा हुआ है, एक प्रोजेक्टर भी है, और उस प्रोजेक्टर के चारों तरफ LED रिंग भी दी हुई है, जो कि लुक को काफ़ी अच्छा करता है और काफ़ी इन्हेंस कर देता है। और अगर हम इस बाइक के मीटर की बात करें, तो इसकी जो की है वो बिल्कुल बेसिक सी है, जैसा कि आप अभी देख पाएंगे। और इसकी को जैसे ही हम इंसर्ट करके इग्निशन को ऑन करते हैं, इसका जो इंजन है कुछ इस तरह का एनिमेशन करता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन भी दी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है और आप इज़िली उसको रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टैंक की, तो ये वाइट कलर का है। और बात करते हैं इसके फ्रंट की, अगर हम फ्रंट में देखें तो इसमें 90x90 सेक्शन के 19 इंच के व्हील दिए हुए हैं, जो कि अलॉय हैं। और इसमें 280mm का डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, और जो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है वो डबल पिस्टन कैलिपर के साथ आती है। इसमें साथ में ABS भी दिया हुआ है, और ये एक डुअल चैनल ABS है, यानी कि ये आगे और पीछे दोनों तरफ ऑपरेशनल है। इसमें जो फ्रंट में फॉक्स दिए हैं वो टेलीस्कोपिक दिए हुए हैं, और ये 41mm का ट्रैवल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और आपको बड़े से बम्प पता नहीं चलेंगे अगर आप स्पीड में होंगे। तो ओवरऑल बाइक फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेनली जो इसका जो हेडलैम्प है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये एक काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम बात करें इसके इंडिकेटर की, तो इसमें बल्ब दिए हुए हैं, इसमें LED नहीं दिया हुआ है। बात करते हैं इसके स्विच गियर की, तो स्विच गियर मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़िशेंट लगे, काफ़ी अच्छे लगे, और ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे हैं। आप इसको आराम से यूज़ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच दिखता है, और मोटर स्टार्टर भी स्विच दिख जाता है आपको। साथ में इसमें जो यहाँ ब्रेक और लीवर दिए हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एल्युमिनियम फिनिश में दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो मीटर है, इसमें दोनों रीडिंग आती है, किलोमीटर पर आर और माइल पर आर। तो ये एक ग्लोबली बाइक है, यानी कि आपको हर जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आप सारे इंडिकेशन देख पा रहे हैं, ये टैकोमीटर दिया हुआ है, जिसमें 8000 RPM मैक्सिमम दिया हुआ है। तो ये एक लो रेविंग इंजन है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 20 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है। इसमें आप साइड में देख पा रहे हैं, रॉयल इनफील्ड 3D में दिया हुआ है दोनों साइड में। और जो ये टैंक है, इसका जो कैप है वो ऑफ सेंटर है, दैट मीन्स बिल्कुल मिडिल में ना होकर ये साइड में दिया हुआ है, जो कि स्टाइल को थोड़ा सा इन्हेंस कर देता है और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम बात करें इसकी सीट की, तो जो इसमें राइडर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी चौड़ी सीट है, और जो पीछे बैठता है उसके लिए ग्रैब रेल भी काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट कर दिया हुआ है। सो ओवरऑल बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और बात करें इसके इंजन की, जो इसका मेन पार्ट है, यानी कि इसका इंजन 346 cc का 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन है, जो कि BS4 इंजन है। इसकी मैक्सिमम पावर 19.8 BHP 5250 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है 28 Nm का 4000 RPM पे। सो ये एक लो रेविंग इंजन है, जो कम RPM पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये बाइक जो है काफ़ी अच्छे से आपको पुल करती है, और ये काफ़ी ज़्यादा रेव नहीं करता है, क्योंकि ये कम रेविंग में ज़्यादा इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। इसमें एक कार्बोरेटर लगा हुआ है, ये फ्यूल इंजेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर आप 356 cc का ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे। यहाँ साइड में ये जो बॉक्स दिया हुआ है, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें एयर फिल्टर लगता है। पीछे आप देख पाएंगे, इसमें काफ़ी ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, और ब्लैक इसका एक मेन पार्ट करके दिखाया गया है। अगर हम बात करें इसके पीछे वाले भाग की, जो कि रियर टायर है, इसका जो रियर टायर है वो 120x80 सेक्शन का 18 इंच का व्हील है, आगे 19 इंच का है, पीछे 18 इंच का व्हील दिया हुआ है। और इसमें जो पीछे डिस्क ब्रेक लगा हुआ है वो 240mm का लगा हुआ है। पीछे जो आप देख पा रहे होंगे, रियर सस्पेंशन है, ट्विन गैस चार्ज शॉक एब्जॉर्बर दिए हुए हैं, और 240mm का इसमें डिस्क भी लगा हुआ है। सो पिछला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें अगर हम बात करें इसके बैक लाइट के, तो ये पूरी तरह से LED है, और इसमें जो इंडिकेटर हैं पीछे दिए हुए हैं वो भी आपको बल्ब टाइप मिल जाते हैं। सो ओवरऑल बाइक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब इस बाइक को चला के देखते हैं ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। सो लेट्स राइड इट।
सो बाइक को स्टार्ट करने पर सबसे पहले आपको दिखता है वाइब्रेशन। ये बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है क्योंकि इसका इंजन काफ़ी बड़ा है और ये इतना वाइब्रेट कर रही है कि इसका जो मीटर कंसोल है वो मुझे हिलता हुआ दिख रहा है। सो इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है, अगर आप इसको आराम से चलाते हैं, रेव करते हैं तो ये बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। इसका जो हैंडल बार है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि जो ये पोस्चर दे रहा है वो काफ़ी अच्छे से दे रहा है। दैट मीन्स आप जब बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी कि जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वो चीज़ परफेक्टली वहाँ पर दी हुई है। सो इनिशियली आप इसको जब एकदम से रेव करते हैं तो गाड़ी अच्छे से पुल करती है। और इसकी अगर हम बात करें फ्यूल इकोनॉमी की तो ये अराउंड 35 किलोमीटर पर आर, यानी कि अगर आप एक लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो ये 35 किलोमीटर चल जाती है। सो काफ़ी ठीक है 350 सीसी के इंजन के साथ। इसकी ब्रेकिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें ABS दिया हुआ है तो आपको गिरने का डर बहुत कम होता है, लेकिन आप जल्दी स्केट नहीं कर पाएंगे। सो ये बाइक जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है और इनिशियल पिकअप भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन लो एंड में जाकर ये थोड़ा सा लेस परफॉर्म करती है, अंडर परफॉर्म करती है, यानी कि लो एंड में जब जाती है बाइक तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। लेकिन इनिशियली ये बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है क्योंकि इस बाइक का जो टाइप है ये क्रूज़र सेगमेंट की बाइक है, ये स्पोर्ट सेगमेंट या कम्यूटर सेगमेंट की बाइक नहीं है। तो आप अगर इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं और डेली टू डेली भी यूज़ करते हैं तो ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल प्रोवाइड करती है क्योंकि इसका सीटिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप इसको भगाएंगे काफ़ी तेज़, ये बहुत इसको हाई रेविंग की तरह चलाएंगे, स्पोर्ट बाइक की तरह चलाएंगे, तो इसका परफॉर्मेंस आपको डाउन लगेगा क्योंकि ये सेगमेंट की बाइक नहीं है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं मैं इसको काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा हूँ और ये बाइक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन लो एंड में जाकर ये थोड़ा सा लो हो जाती है क्योंकि इसका जो मैक्सिमम स्पीड दी हुई है वो 110 किलोमीटर पर आ रहे हैं, जो कि बहुत देर में ये गेन कर पाती है, बहुत जल्दी नहीं कर पाती है कि आपने एकदम से इसको पुश किया और एकदम से ये 110 पे पहुंच गई। 60 तक ये बाइक काफ़ी अच्छे से खींचती है, लेकिन 60 के बाद ही थोड़ा सा स्ट्रगल करती है और 110 तक ले जाती है, जो कि थोड़ा टाइम लगा के लेती है। सो ओवरऑल ये बाइक ज़्यादा तेज़ भगा नहीं सकते। अगर आप इसकी एक आइडल स्पीड हाईवे माने तो 80-90 आप चलाएंगे तो काफ़ी अच्छे से ये बाइक चलेगी, और इसके ऊपर आप भगाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं निराशा होगी क्योंकि ये बाइक उस टाइप की नहीं है। अगर आप क्रूजिंग करते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये बाइक काफ़ी अच्छी है, और अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हैवी लोड भी ले जाते हैं तो भी बाइक ये अच्छे से परफॉर्म करेगी। सो ओवरऑल इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लोग लॉन्ग टूर करते हैं और बहुत ज़्यादा लगेज कैरी करते हैं उनके लिए बाइक बिल्कुल परफेक्ट बाइक है। इससे अच्छी बाइक कोई हो नहीं सकती है इतने कम में। इसका जो अगर हम प्राइस की बात करें तो ये 1.85 लाख से 2 लाख के बीच में वैरी करती है, और ये BS4 मॉडल के प्राइस हैं, BS6 मॉडल के प्राइस थोड़े से महंगे होंगे। सो BS6 जैसे ही आता है मैं उसका भी रिव्यू डाल दूंगा। आई होप मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह मैं और भी बाइकों का रिव्यू करता रहूँगा। अभी लॉकडाउन है इसके कारण थोड़ा सा डेटा कम मिल रहा है, तो जैसे ही सब ओके होता है मैं सारी बाइक का रिव्यू डालूँगा। तो अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये जो मेरा रिव्यू है वो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड कीप सपोर्टिंग अस। और अब जब भी बाइक चलाएं तो आप हेलमेट ज़रूर पहनें और जब ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।